ये जो मज़ा है सिर्फ एक बाइक में मिलेगा, इसीलिए मैं धनबाद से अयोध्या आया हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। तो आज है अपना अयोध्या जाने का दूसरा दिन। तो भाई कल बनारस पे रुके थे, कितना फुल हुआ तो वो हम मीटर देख के बताते हैं कितना हुआ था किलोमीटर यहाँ तक। और कल यार सोचे आज बनारस घूमते, पर इतना यार रूम का सर मचा हुआ ना, इसीलिए भाई सोचे अपना इसी स्टेशन तरफ आ गया कि स्टेशन में रूम मिल जाएगा आप पर। कभी अगर कहीं जाते तो रूम नहीं मिलता तो स्टेशन, बस स्टेशन चले जाइए, वहाँ पर रूम जरूर मिलेगा, सस्ता मिलेगा। ये रूम पड़ा था 500। एक बार आप रूम देख लीजिए, फ़ैन है, एसी नहीं है भाई। और इधर अपना डबल बेड था, इधर अपना हेलमेट। और एक बार आप लोगों को बाथरूम दिखाते हैं, तो ये बाथरूम है, शीशा है उधर। और ये रूम अपना बजट में था, 500 रुपये दिया था भाई, ठीक है 500 रुपये की मेरा बजट है। और अयोध्या में भी अपना रूम हम बुक करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ बुक किए, कितना लगा, पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे हम वीडियो में से। बने रहिए, बहुत सारा जानकारी मिलने वाला है। और अभी टाइम हो चुका है 8:20, और आज है डेट कितना, 18, आज हो गया 19 तारीख। तो भाई 19 तारीख को अयोध्या आज तो पहुँच ही जाएंगे, तो देखते हैं कौन सा रूट लेते हैं, आप लोग बताएंगे। और हाँ भाई, अपना फर्स्ट तो मोबाइल होल्डर एक लेना पड़ेगा, मोबाइल होल्डर नहीं है तो अभी मैप देखने के लिए ये अपना वाटरप्रूफ वाला गला में टांग लेंगे ताकि रास्ता आपको दिखते जाए। और एक बार आप लोग टाइम देख लीजिए, 8:20 हो रहा है और 19 तारीख। भाई फाइनली ये था अपना स्टे, और इधर अपना रिसेप्शन था, यहाँ फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं। और बाहर में आपको आईना देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं ठीक ठाक है सारा चीज़। और इधर अपना गाड़ी लोड हो गया पूरा, इसको बांध दिए बैग को। और ये अपना रहा हेलमेट। और भाई किलोमीटर देख लिए, किलोमीटर टोटल हुआ था 437 किलोमीटर। यहाँ के लिए आप ट्रिप ज़ीरो कर देते हैं क्योंकि आज से एक नया शुरुआत होगा, तो ज़ीरो टोटल चल चुका है 67979। तो भाई अपना हो चुका है पूरा सेट, मोटो ब्लॉक सेटअप। और इधर अपना गाड़ी थोड़ा स्टार्ट करके छोड़ दिए, थोड़ा मोबिल उबिल ऊपर ले जाए, ठंडा गया था। और इधर अपना सारा चेन अनलॉक है, अब चलिए निकलते हैं, फ्यूल लेना होगा रास्ता में। तो भाई चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, जयकारा लगा देना भाई जरूरी, तो जय श्री राम। और ये रहा अपना रास्ता, इधर ही अपना दुकान था, दुकान से रात में रुकेगा तो भाई एक गुड नाइट का रिफ़िल ले लेना है, ये सारी रिफ़िल वो कार्ड वाला, बड़ा मच्छर लगता है। 10 का लिए थे अपना, वो भी ले लेना। अभी हम लोग NH-31 हम पकड़ लिए हैं, और यार गूगल मैप फंसा दिया पूरा यार, इधर उधर कर करके फंसा दिया। तो फाइनली अभी तक कवर किए हैं 17 किलोमीटर। ये NH-31 और ये अपना वाराणसी लखनऊ हाईवे है, और यहाँ से आपका डिस्टेंस दिखा रहा है 420 किलोमीटर। और टाइम देखिए, NH पकड़ते पकड़ते हमको 9:20 बज गया, शायद 8:20 में वहाँ पर निकले थे। पर खींचते हैं, और रिंग रोड भी नीचे क्रॉस किया अभी थोड़ा देर पहले, और यहाँ से अभी तक का देखते हैं कैसा रहता है। और फुल एनर्जी है भाई, क्योंकि रूम बुक कर लिए हैं, कहाँ बुक किए, कैसे बुक किए, वो सारा चीज़ पता चल ही जाएगा। और अपना रूम भी हो गया, इसीलिए भाई आराम से जाएंगे, फ्रेश होंगे। आज शाम को अपना जैसा होगा, जब तक पहुंचते हैं आप लोग तो पता चलते रहेगा। और अभी देख रहे हैं, मतलब गजब का सिटी है यार, रोड बहुत ही अच्छा है। सिर्फ अगर एक मोबाइल होल्डर लेना होगा, नहीं तो भाई पूरा भसड़ मच जा रहा है। बार बार ये वो वाला एक्सपेरिमेंट करके देखे, गला वाला टांग के, पर नहीं हो रहा भाई। वो जो वाटर प्रूफ वाला पैकेट रहता है वो नहीं हुआ। वाह, जय श्री हनुमान, बड़ा मूर्ति बन रहा है यार हनुमान जी का, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा मंदिर है। और ये क्या देख रहे हैं, क्या नज़ारा हो रहा है यार, ये NH सिटी में यही देख रहे हैं, पूरा बीच में पेड़ वेड़ लगा हुआ है, नारियल का पेड़ है, फूल है, अच्छा मेंटेन करके रखा है, रोड क्लीन है, सारा चीज़ क्लीन है, बनारस बनारस है। और अभी तक कुछ खाए भी नहीं, पिए भी नहीं, चाय भी कुछ नहीं पिए हैं, साथ में एक बिस्कुट था लिटिल हार्ट, वो खा लिए। और यहाँ से जैसे मैप मेरा नहीं है तो मैं छोटा छोटा जगह लोकेट कर रहा हूँ, जैसे पिंडरा हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ये सब एक एक आप याद रखिए। मान लीजिए किसी से आपको पूछना भी है तो आप डायरेक्ट बोलिएगा भाई हमको अयोध्या जाना है, राम मंदिर, तो कोई कोई नहीं बता सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है छोटा छोटा चीज़, जैसे पिंडरा याद रखिए, सुल्तानपुर अच्छा रहेगा। बनारस से आप किसी से पूछिए कि भाई सुल्तानपुर जाना है तो आपको अच्छा प्रेफर कर देगा, सुल्तानपुर देगा, मतलब आ रहा है।
सुल्तानपुरम किसी हो बोले बोले सुल्तानपुर होते हुए निकल जाना है। सुल्तानपुर सभी को बोलना है कि सुल्तानपुर में जाना है। उसी भाई इधर ही रुके हैं, चाय पी लेते हैं। छोटी भाई चाय बहुत बोल भाई। इधर अपना तेल फ्यूल कर लिया, 350 का तेल डाल दिया और कितना 3-4 पॉइंट तक काटा उठ गया। चलिए ठीक है। और E20 इधर नहीं है मेरे, सिर्फ सादा ही ले लिए, पर मुझे लग रहा है भाई E20 वाला माइलेज ज़्यादा दे रहा है, उसका मुकाबले माइलेज ज़्यादा दे रहा है, देखते हैं। क्योंकि यार उसमें 500 डाले थे, रगड़ के गाड़ी चलाएं, ज़्यादा है भाई माइलेज में, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं। और टाइम हो चला भाई, टाइम दिखाओ भाई, 10 बज गया भाई टाइम, और कवर अप कर लिए 32 किलोमीटर। बताइए एक घंटा में 32 किलोमीटर ही कवर कर पाए, बहुत स्थिति ख़राब है अभी तक। देखते हैं कितना हो रहा है। और यार बड़ी सर दर्द कर रहा है, पर मेडिकल भी नहीं दिख रहा है। देखते हैं कहीं मार्केट अगर मिलता है तो मेडिकल से दवाई वाले लेते हैं। और अच्छा है, और कहीं अगर गन्ना उन्ना का जूस मिल जाएगा तो यार अच्छा। एग्रो पार्क देख रहे, पूरा ग्रीनरी एक नंबर ही है यार। और NH का बगल में ही है, चाय ले लिए। और कल वाला परोठा है, मैगी है, तो देख रहे ख़राब नहीं हुआ है, तो कोई भी सेंड नहीं आया तो इसको खा लेते हैं, फिर नहीं तो फिर आगे मुझे खाएंगे। तो भाई ट्रैवल करने के लिए ये सब भी जरूरी है। और अपना क्या है, लेकिन एक दिन बाद वाला भी खाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। परोठा ठीक है, मैगी देखते हैं। भाई सुबह का नाश्ता चली हो गया, और इधर पानी था तो टीवी रूपिन धो लिए, ताकि कुछ ना कुछ अगर पार्सल से होगा कहीं से तो ले लेंगे, और जाके एक शैम्पू लेके धो देंगे उसको, ताकि वो तेल उल चला जाए। और ये रहा अपना गाड़ी, गाड़ी तो पूरा जबरदस्त लग रहा भाई, बहुत अच्छा साथ दे रहा, हेलमेट भी साथ दे रहा टीका वाला। तो भाई अभी पहुँचे हैं जलालपुर, यहाँ अपना मेडिकल से साइड होने से बड़ा सर दर्द हो रहा था, तो अच्छा हुआ कि गर्म पानी अंदर में था, बोले तो कल का पानी गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी से दवाई पीने से कुछ काम नहीं करता है, इसीलिए अपना पानी ठीक ठाक साथ दिया। और अभी तक क्रॉस हो गया 51 किलोमीटर, टाइम हो चला है भाई, टाइम दिखा कहाँ है, 10:37 हो गया। और इधर हो गया जौनपुर, तो भाई जौनपुर पड़ेगा आपका इस साइड, हो अयोध्या धाम 167 किलोमीटर, और हम लोग को सीधे चलते जाना है सुल्तानपुर। तो भाई जौनपुर वालों इधर जाना है आप लोगों को, वो देखिए वो ट्रक मोटर जौनपुर इस साइड, ओहो इंडिकेटर दे रहा है, पर भाई समझ में नहीं आ रहा दिन में। अच्छा जब भी आप लॉन्ग जर्नी कर रहे तो मुँह धोते रहिएगा, पानी वानी मारते रहिएगा, क्योंकि ये रोड है ना कि आपको हिप्नोटाइज भी कर सकता है, क्योंकि आपको यही सिर्फ दिखा मिल रहा है, तो हिप्नोटाइज हो सकता है, इनकी चप्पी भी आ सकता है, तो इसके लिए मुँह धो के ना फ्रेश होकर गाड़ी चलाइए। जब नहीं लोग जाते हैं चचा इधर देख रहे, बोले सारा पगला गया क्या, पी रहा फिर भी वीडियो बना रहा क्या करे चचा। भाई साहब फाइनली अपना सुल्तानपुर कंप्लीट हो गया 156 किलोमीटर, और NH-31 के बाद आपको सुल्तानपुर का रास्ता जहाँ से मिलेगा उसी से ठीक नीचे फ्लाईओवर से आपको नीचे उतर जाना, पर कंफ्यूज ये है कि 128 हाईवे है या 330 है, गूगल मैप एक बार बता रहा 128 और जो नीचे जो लिखा रहा वो 330, तभी हम लोग का कवर हो चुका है 156, और बचा है यहाँ से सिर्फ 70 किलोमीटर। एक भाई से पूछे कि भाई यही रास्ता, क्योंकि गूगल मैप भले कितना एक बार आप लोकल से पूछ लीजिएगा कि भाई यही रास्ता है, तो बता हाँ यही रास्ता है, यहाँ 70 किलोमीटर और 70 किलोमीटर बचा भाई। आइए तो रेस्टोरेंट में यहाँ पर भूसाई से सुबह मिलता है, तो मिल गया अपना थाली, थाली का ऑर्डर किए हैं,
ये 160 का है। चावल आ रहा है, चावल बन रहा है। बाकी क्या मटर पनीर, ये मटर बनाई से हाँ मटर पनीर है, दाल है, प्याज है, अचार की जगह खा लिया। देखते हैं खा के फिर आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट आ रहा है। तो भाई खाना पीना हो गया अपना, 160 का बिल आया, ठीक है। पानी नहीं लिया क्योंकि पानी अपना साथ है, 20 का पानी कौन ले, पेट्रोल पंप है ये, वहाँ लेके भर के पी लेंगे भाई। और गाड़ी उधर से यहाँ पर छाम कर दिया ताकि दिक्कत ना हो। आइसक्रीम भी आप खा सकते हैं, बस पुल क्रॉस जैसे कीजिएगा मिल जाएगा। बहुत कोई इधर ही खाना खा रहे, मैं तो साउथ इंडियन देख के रुका था कि डोसा उसे खाऊँगा, पर डोसा सिर्फ सवेरे बनता है। तो अब भाई रामनगरी के लिए चला जाए, और 60 किलोमीटर है। गुटखा नहीं खा रहे और मिश्री लिया, थोड़ा चबाने से हजम होता है ना। देखते हैं कब तक कवर कर पाते हैं, और गूगल मैप में देखा रास्ता ऐसे ही बनवाने वाला। ये भाई नहाए नहीं है, पर ये सिंगर रोड में यही दिक्कत है, जहाँ तहाँ से गाड़ी निकल जाएगा। देख रहे भाई लोगों ने एकदम चार गाड़ी छेक लिया है, हम कहाँ जाएँ, वहीं से झंडा लेंगे और वही झंडा फिर घर में भी लगाएंगे। प्रभु के यहाँ से झंडा लेके जाएंगे अयोध्या से ही, शायद इसीलिए झंडा अपन नहीं लगाए क्योंकि हम लगाएंगे अयोध्या में आके प्रभु जी के आशीर्वाद के साथ वो झंडा। तो चलिए झंडा नहीं लगा ठीक है, लेकिन ऐसा झंडा लगेगा जो झंडा बहुत कोई ने नहीं लगाया है, क्योंकि भाई उसका तो झंडा लगा हुआ रहता है तो फिर वो चेंज नहीं करता, लेकिन हम कुछ अलग करेंगे। तो प्रभु का झंडा वहीं से लगाएंगे, फिर वहां से निकलेंगे। तो भाई जय श्री राम। और यार कल से ज़्यादा आज हमको खुशी लग रहा है, पता नहीं क्यों, अयोध्या पहुंच गए इसीलिए शायद खुशी बढ़ गया, और बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा है और उतना थकानी भी नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई रात को सोए तो प्रॉपर रेस्ट हो गया था, इसीलिए होल्ड कर दिए, ज़बरदस्ती नहीं। और टाइम हो चुका है आपका 2:54 और किलोमीटर चल गया 175, अभी भी 20-30 किलोमीटर बाकी है। सर सामने आके ही लेट हो गया यार, इतना देर ठेक कीजिए। और ये रहा भाई सामने पूर्वांचल एक्सप्रेस, सोचे तो उसमें जाएंगे पर हुआ नहीं, उसमें बहुत 50 किलोमीटर ज़्यादा घूमना पड़ता है, इसीलिए भाई 50 किलोमीटर मायने रखता है। तो हम लोग जस्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नीचे, अरे ये रोक दिया, अयोध्या धाम अर्फी लिखा हुआ 53। तो ये रहा भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस, मुझे जस्ट क्रॉस कर रहे हैं। तो भाई फाइनल अयोध्या पहुंच चुके हैं। ऐसा लोकेशन है ना कि पहले ये होटल आएगा, उसके बाद आएगा राम मंदिर। तो ये देखिए किलोमीटर रहा अपना 223, तो आज बनारस अयोध्या 223। अब चलिए रूम देखते हैं हाँ क्या नहीं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। भाई टाइम हो चला है 5:48 और ये रहा अपना डोरमेट में लाइट, इधर एक चार्जिंग पॉट और यहाँ अपना बॉक्स। तो हेलमेट ले लिया, गाड़ी की चाबी ले लिया, निकलते हैं अपना लेज़र लाइट शो देखने। तो भाई कुछ इस तरह का अपना है उसका येलो येलो डाटी फॉलो ही चलते हैं, और फिर एक वीडियो बना के अपना प्रॉफर आपको दे देंगे। भाई ये रहा पार्किंग, चाबी अच्छा लिफ्ट भी ठीक है, और एक सही है भाई गाड़ी रखने का सही जगह, तो वहाँ है अपना गाड़ी, क्योंकि भाई गाड़ी सही से रहे ना तो आप भी मिशन की घूम पाइएगा, नहीं तो नहीं होता। भैया नया घाट वो वाला है ना, भैया जाने का रास्ता किधर से भैया? हाँ हाँ वाइट कलर का, अच्छा ठीक है भैया थैंक यू। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं लता मंगेशकर चौक। तो ये रहा ठीक मेरे सामने लता मंगेशकर चौक,
और वहाँ पर है सूर्यपथ, उस साइड हो गया। अब तो ये रहा अपना लता मंगेशकर चौक, और इधर कहीं बाइक लगाने की इधर जगह नहीं है। उठा लेगा पुलिस, वो भी देखना पड़ेगा। वो शायद रास्ता बता यार, शायद सीधा रास्ता, हम भटक रहे थे। हाँ वहीं तो रास्ता है भाई। तो आप जैसे यहाँ से घुसते हैं लता मंगेशकर चौक से सीधा लेना होगा इधर। तो ये रास्ता आ गया अपना राम की पैड़ी। और भाई साहब कितना मतलब इधर रहेगा आपका, राइट में रहेगा लता मंगेशकर चौक, और ये रहा अपना राम की पैड़ी। तो यार समझ में नहीं आ रहा था, पहुंच गए राम की पैड़ी। इधर इधर ठीक है यार, बाइक भी लग जाएगा और घूम भी लेंगे। ऐसा आगे बढ़ के आपको लेफ्ट में आए ना, और यहाँ पर मिल गया अपना पार्किंग। अब फ्री है या कॉस्ट है ये बाद में पता चलेगा, पहले वो लग जाए। अब मैडम जी थोड़ा हटिएगा। तो ये अपना ज़बरदस्त जगह पर लग गया। तो ये रहा अपना पार्किंग, और चलिए देखते हैं क्या होता है। पैदल आते हैं तो यहाँ से उतर सकते हैं, जो लता मंगेशकर चौक वहाँ रह गया, और कुछ ही 100 मीटर पे आपको ये सीढ़ी मिल जाएगा यहाँ से उतर के। तो ये रहा अपना हल्की पौड़ी, और सही टाइम पे आए हैं, अपना शुरुआत हो चुका है लेजर लाइट शो। फाइनली भाई आ गए हैं, और रहा अपने सामने हल्की। अपना घूम लिया सरयू नदी, लेजर लाइट शो भी देख लिए, और एकदम सामने है उधर अपना लता मंगेशकर चौक है। और यही रास्ता से आपको आना है, इधर ही में आपको मिल जाएगा, और बाइक आप यहाँ खड़ा कर सकते हैं। तो बहुत काफ़ी अच्छा लगा देख कर, जब गाना बज रहा यार फील आ रहा है यार, मतलब आप अगर सामने से देखिएगा ना तो क्या बोले, जब जय श्री राम जय श्री राम बोले तो मज़ा आ जाए। लेकिन भाई एक निवेदन है राम मंदिर की ट्रस्टी से कि भाई थोड़ा इन लोगों पर ध्यान दिया जाए। देखिए राम मंदिर आप कहीं जाते हैं तो यहाँ से वहाँ तक फेरी करते हैं सब, ठीक है, और यहीं पर है डस्टबिन, यहाँ पर है डस्टबिन, देखिए साफ भी हो रहा है बहुत अच्छा। लेकिन जो लोग फेरी करते हैं उन लोगों को सोने के लिए जगह यहाँ पर है, बताइए इतना ठंडा में। तो इन लोगों का थोड़ा अरेंज कीजिए, क्योंकि भाई वो बता रहे थे कि यहाँ का रूम का रेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से लोग मिल नहीं पा रहा, और सोच रहे लोग कोई धागा होगा बेचते माला बेचते तो कितना कमा लेगा, तो उस हिसाब से रूम रेंट दे पाना इन लोगों की मुश्किल है। यहाँ पर भाई सेट का अरेंज कर दीजिए ताकि लोग आराम से, देखिए
बच्चों लोग भी आ रहे हैं, फेरी कर रहे बच्चा, एक दो साल का, दो साल का बच्ची होगा, क्या होगा, तो भाई यहीं पर सो जाएंगे ठंडा में। तो निवेदन है कि आप लोग ये थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेफ रूट मना दिया था कि अपना सोएगा, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा लोग आ रहा है, यहीं पर सो जाएगा। तो यार यहाँ पर भी बाथरूम हो रहा है यार, तो नगर निगम वालों से निवेदन, यहाँ बंद करवाइए, फाइन वीन के चलान काटिए ताकि ये बंद हो सके। घाट क्रमक संख्या 16। ये सब यहाँ पर आराम से आके फोटो वोटो क्लिक करवा सकते हैं, देख रहे हैं DSLR पूरा घूमते रहेगा। और फिर यही रास्ता अपना निकलेंगे रूम के लिए, सीधा होते हुए रूम, तो यहाँ से हनुमान गढ़ी 1.5 किलोमीटर, सहतानगंज तेरह, श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र 1.8। तो अपना रूम जहाँ बहुत ही अच्छा है, उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को पूरा मिल सके। कौन भाई लोग है यार, इतना हॉर्न क्यों, आगे गाड़ी है, दिखाओ हो यार। तो ये रहा रात का नज़ारा, मज़ा लग रहा कुछ। भाई मस्त, कल सुबह निकलते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं क्या है, मस्त बनाया दिन में तो और ज़बरदस्त है। चलिए अभी टाइम हो गया है 9:20 और अब रूम जाके खाना वाना फिर खाते, कुछ रेस्ट करते हैं। और यहाँ पर एक जब SBI का कलर भी चेंज यहाँ पर है, देख रहे हैं, हर भारतीय का एक बैंक, ये भी आपका गेरुआ कलर मिलेगा, सारा चीज़ वही मिलेगा, बहुत अच्छा व्यवस्था है। और इधर अपना है झंडा का दुकान, कल लेना हुआ झंडा भाई, लाइटिंग के जैसे ठंडा हल्का लग रहा है यार। चटोरी रेस्टोरेंट, चटोरी, ये कौन सा चटोरी है भाई, तो मिल जाएगा। अच्छा पुलिस वाला सोचा कि ये 4-व्हीलर है, लेकिन नहीं है भाई, ये गरीबों का गाड़ी है। और ये रास्ता सीधे अपना जाएगा रूम तक, बस पेट्रोल का दाम फिर इधर बढ़ गया क्या, BPCL कितना करके दे रहा है पता नहीं, पहले गाड़ी रखते हैं फिर कहाँ कहाँ निकलेंगे। और ये रहा भाई अपना हनुमान गढ़ी, कुल्लड़ दूध पी ले रहा, ये रहा भाई कुल्लड़ दूध, वर्सेस चौक के बगल में ही है ये, जाइए 20 रुपये ग्लास।